दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RN1 चैनल में। आज दोस्तों बाइक बोर्ड की तरफ से एक नई अपडेट आई है। जो भी बाइक बोर्ड के इन्वेस्टर्स हैं, वेलकम बाइक बोर्ड, थैंक्स ए लॉट टू ऑल इन्वेस्टर्स फॉर यूर अवेलेबल पोल। तो ये जो नई अपडेट आई है उसमें दोस्तों क्या लिखा है, सभी इन्वेस्टर्स से अनुरोध है कि जिसने भी सेटलमेंट की बोटिंग में सेटलमेंट की इच्छा जताई थी, उनमें से जिन इन्वेस्टर्स के सेटलमेंट चेक की तारीख अगस्त 2019 या उससे पहले किसी भी महीने की है, अथवा जिस इन्वेस्टर्स ने जनवरी 2019 माह में इन्वेस्ट किया था प्रथम चरण के सेटलमेंट के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी जरूरी डिटेल्स भरकर 10 अगस्त 2019 शाम 8 बजे तक सबमिट कर दें, ताकि सेटलमेंट की कार्रवाई को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद, गर्वित इनोवेटर्स प्रमोटर्स लिमिटेड। ये दोस्तों बाइक बोर्ड की तरफ से अपडेट है। और यहाँ पे यदि आपने फिल करना है फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। और इसमें दोस्तों बाइक बोर्ड यूज़र आईडी आपको भरना होगा, यहाँ पे फुल नेम आपका भरना होगा, फादर नेम यहाँ पे लिखा है, फादर नेम भरना होगा, फुल एड्रेस यहाँ पे देना होगा आपको, आपकी मेल आईडी यहाँ पे देनी होगी, पैन कार्ड नंबर देना होगा, आधार कार्ड यहाँ पे देना होगा आपको, स्पॉन्सर आईडी नंबर आपको देना होगा, यूटीआर नंबर आपको देना होगा, इन्वेस्टमेंट डेट और मंथ आपको यहाँ पर देना होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे देना होगा, टोटल रिसीविंग अमाउंट जो हमने रिसीव किया हुआ आपको देना होगा यहाँ पे, फुल बैंक फुल एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा, FSC कोड यहाँ पे आपको देना होगा, पैन कार्ड कि आपकी यहाँ पे सेंड करना होगा जो कि मैक्सिमम 5 MB तक हो सकता है, आधार कार्ड जिसका भी आपको सेंड करना होगा जो कि मैक्सिमम 5 MB तक होना चाहिए, एग्रीमेंट भी आपको सेंड करना होगा, इसकी भी लिमिट 5 MB है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका भी स्टेटमेंट देना होगा आपको 5 MB मैक्सिमम साइज, स्टेटमेंट फॉर रिसीविंग अमाउंट जो कि आपने रिसीव की है अमाउंट जो कि आपके तो आपका पासबुक है उसमें इनकमिंग जो आपके पास अमाउंट आई है बैंक से वो आपके वहाँ पे मेंशन होगी, उसकी फोटोकॉपी आपको देनी होगी और उसकी भी जो मैक्सिमम लिमिट होगी 5 MB वहाँ पे होगी, और इसको आपको बैंक को सेंड करना है। तो ये तो दोस्तों सेटलमेंट से रिलेटेड हो गया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ लिखा है, वही जो बाइक बोर्ड की पुरानी तस्वीर है आप लोग देख सकते हैं, वही पुरानी तस्वीर, और यहाँ पे संजय बाटी की तस्वीर लगी हुई है, और यहाँ पे लिखा है बिजनेस रिस्टार्ट्स ऑब्लिक सेटलमेंट। इसमें कुछ लंबा चौड़ा लिखा है दोस्तों, फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। प्रिय ग्राहक ऑब्लिक निवेशकों, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड नीचे दिए गए विकल्पों द्वारा सभी ग्राहकों निवेशकों के निवेश किए गए मूल राशि के बकाया का निष्पादन निपटान के लिए प्रतिबद्ध, यानी देने की ठान रखी है, मतलब देना है उसको आपका पैसा। नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प के चुनाव द्वारा ग्राहक ऑब्लिक निवेशक अपनी बकाया मूल राशि के निष्पादन के लिए कंपनी के नाम इसी वेबसाइट के जरिए अपना प्रार्थना पत्र संलग्न कर सकता है। और आगे लिखा दोस्तों कि जिन ग्राहक ऑब्लिक निवेशकों ने FIR दर्ज करवा रखी है अथवा किसी प्रकार की कोई संवैधानिक प्रक्रिया कंपनी के विरुद्ध शुरू की है, वे न्यायालय का आदेश प्रस्तुत होने पर अपनी निवेशित राशि न्यायालय के आदेश अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा है कि जिन ग्राहकों निवेशकों ने FIR दर्ज नहीं करवा रखी है अथवा किसी प्रकार की कोई संवैधानिक प्रक्रिया कंपनी के विरुद्ध शुरू नहीं की है, वे अपनी निवेशित मूल राशि का निपटान निम्नलिखित विकल्पों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प जो दिए हैं, जो निवेशक कंपनी के साथ इस बिजनेस डील को आगे नहीं जारी रखना चाहते, वे निवेशित राशि का निपटान करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुने। प्रॉपर्टी केवल 20 लाख से ज़्यादा जिनका अमाउंट है वो लोग प्रॉपर्टी को ऑप्शन को चुन सकते हैं। कार
या पब्लिक फोर व्हील को जो है 10 लाख से ज़्यादा जिनके अमाउंट है वो लोग इसके लिए इसको जुड़ सकते हैं। पेट्रोल बाइक यदि उपलब्ध है तो किसी भी राशि के लिए, जो भी आपकी राशि है उसके लिए आप चुन सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक बाइक यदि रहेगी तो किसी भी राशि के लिए आप लोग चल सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जो निवेशक कंपनी के साथ इस बिजनेस डील्स को आगे जारी रखना चाहते हैं वो अपनी शेष मेच्योरिटी राशि का निपटारण नुकसान भरपाई राशि के साथ मूल राशि का 10% अतिरिक्त 12 मासिक किस्तों में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भुगतान इस विकल्प को चुनने के 60 दिनों के बाद शुरू होगा। निवेशकों को अधिकार होगा कि अपनी मासिक किस्त की राशि के बराबर अन्य विकल्प चुन सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, कार, पेट्रोल बाइक अथवा इलेक्ट्रिक बाइक आदि। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि निवेशक अपनी ग्राहकों को यहाँ आवश्यक होगा कि शुरुआत के 3 महीने के अंदर वहाँ कंपनी में कम से कम 3 बाइकों का निवेश करवा कर अपनी निष्ठा का परिचय दे, अथवा अन्यथा निवेशक को कंपनी के साथ इस डील को आगे जारी रखने का अधिकार नहीं होगा। यानी 3 बाइक आपको लगाने होगी। उसके अलावा जिन ग्राहकों और निवेशकों ने FIR सिविल सूट चेक बाउंस केस 138 दर्ज करवा रखी है, अथवा किसी प्रकार की असंवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर रखी है, निवेशक यदि निपटारण का विकल्प चुनना चाहते हैं तो कंपनी वेबसाइट के जरिए, रिस्ट रिपोर्ट के जरिए अथवा निजी तौर पर प्रार्थना पत्र कंपनी आपस में जमा कर सकते हैं। कंपनी द्वारा प्रार्थना पत्र को अनुमोदित किए जाने पर आप अपने FIR सिविल सूट चेक बाउंस केस तथा संवैधानिक प्रक्रिया को निरस्त करवाकर निपटारण कर अन्य विकल्प चुन सकते हैं, परंतु इन निवेशकों को कंपनी के साथ इस बिजनेस डील को आगे जारी रखने का अधिकार नहीं होगा अथवा कंपनी मैनेजमेंट के निर्णय पर निर्भर होगा। निवेशकों को अपने बकाया मूल राशि के निपटारण के लिए निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। तो जानकारी मैंने आप लोगों को पहले बता दी, जो कि मैंने पढ़ा था आपको, वही सब इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये अपडेट है, अभी ये कैसा है क्या है ये मैं भी नहीं जानता और आप नहीं जानते, बस जो मुझे अपडेट मिला है और मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अच्छा है बुरा है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप उनके पक्ष में हो, बहुत सारे बोलते हैं विपक्ष में, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो अपडेट है वो आप लोगों को बता दिया है, बाकी मैं भी नहीं जानता इसके बारे में। आज के लिए दोस्तों यही इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी, और जो भी इससे रिलेटेड बंदे हैं या जो नए चैनल में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।